गौर से कहना चाहूंगा सबसे पहले कि अपनी बाड़ियों में वो असर पैदा करो, रुक हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो इस देश में अपने समाज की हालत को बदलना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाना, तो इस समाज के लिए, इस देश के लिए अपनी बहनों के लिए जो सर कट जाए ना, वो सर पैदा करो साथियों, वो पैदा करो। देश में बहुजन समाज जागरूक है और जिसकी वजह से जागरूक है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है पूरे देश में और बहुजन युवाओं को जो ताकत मिली है इस भीम आर्मी की वजह से, जिन युवाओं को कभी स्टेजों पर चढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, आज वो युवा जो है प्रदेश अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। आप एक बार दो ताली बजा दें। जो बड़ी निष्ठा ईमानदारी से इस देश में पूरे बहुजन मूवमेंट को फैलाने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में आज हमने जलवा भी देखा, भाई का जलवा है। और एक बात कहना चाहूंगा छोटी सी, बहुजन युवाओं से कहना चाहूंगा कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में बहुजन समाज बन जाओ और बाबा साहेब के तीन मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ, इस देश के हुक्मरान बन जाओ। इस समाज को जोड़ने के लिए आपके बीच बहुत सारी कठिनाइयां आई है, इस समाज को जोड़ने के लिए आपके अपने लोग आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको रास्ते के कांटे नहीं देखने हैं, आपको आपको तोड़ने वाले लोग नहीं देखने हैं, आपको लक्ष्य देखना है। और आपके पास लक्ष्य है इस देश में जो सदियों से जातिगत भेदभाव की नीति चली आ रही है उसको खत्म करने का, आपके पास लक्ष्य है इस देश में प्रेम प्यार भाईचारा एकता बनाने का, आपके पास लक्ष्य है इस देश में होने वाली ताकतों को पार करने का, और आपके पास लक्ष्य है इन चाली को हुक्मरानों को इस देश से उखाड़ कर इस देश का हुक्मरान बनने का। आज आपके पास समय आया है कि आप इस देश के हुक्मरान बने, आप भी इस देश की लाल किला जहां से सभी लोग झंडा फहराए लेकिन आज तक हमारे लोगों को मौका नहीं दिया गया उस जगह से झंडा फहराने का आपके पास लक्ष्य है। और जो व्यक्ति लक्ष्य देखता है वो रास्ते के कांटे नहीं देखता है, संघर्ष करते हैं ना उनके लिए रास्ते के कांटे कुछ नहीं होते। जो लोग संघर्ष जो लोग रास्ते में संघर्ष किया ही नहीं था, लोगों को संघर्ष की परिभाषा नहीं पता, संघर्ष वो है जो लक्ष्य तक रुकना नहीं है, जो बीच पर रुक जाए वो संघर्ष नहीं होता। ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा, नहीं मोहब्बत ना आशिकी का शौक, नहीं मोहब्बत ना आशिकी का शौक करते हैं हम तो बाबा साहेब के दीवाने साथियों को सुनने से।